अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। तो ये देखें, अभी मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है और अपने बेटे के लिए लंच भी रेडी कर लिया है। और ये अंडा ब्रेड मैंने बनाया है और कुछ मैंने सिंपल ब्रेड भी रखे हुए हैं क्योंकि पीनट बटर के लिए। और नाइट टाइम में मैंने सभी बर्तनों को अच्छे से वॉश कर दिया था, तो कुछ बर्तन अभी ब्रेकफास्ट बनाते टाइम यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं जो कि मैं सभी को एक साथ में वॉश करूँगी नाश्ता करने के बाद। और अपने बेटे का लंच भी मैंने तैयार कर दिया था, तो आज मैंने उसको भी अंडा ब्रेड दिया था जो कि वो नहीं फिनिश करके आया था, उसने नहीं खाया था, वो ऐसे ही वापस लेकर आ गया था। तो ये था। और कुछ थोड़े से मैंने बादाम वगैरह रखे थे और खजूर रखे हुए थे जो कि उसको पसंद है, तो उसने ये फिनिश कर लिए थे, बाकी लंच उसने ऐसे ही छोड़ दिया था। और ये हो गया है मेरे बेटे का छोटा सा लंच बॉक्स रेडी। और ये जब वो बहुत छोटा था तब उसके पास ही लंच बॉक्स था, बट मैं कभी कभी इसको दे देती हूँ इस वाले लंच बॉक्स में भी। और ये बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे जो कि मैंने वॉश किए थे, ये देखें। और ये रेड वाली शर्ट मेरे बेटे की हर कपड़ों के साथ आपको वॉश में मिलेगी ये, क्योंकि उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको फ़ौरन वॉश करने के बाद जैसे ही मैं आयरन करके रखती हूँ फ़ौरन से वो पहन लेता है उसको, ये वाली रेड वाली शर्ट, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो अभी मैंने सारे कपड़े आयरन कर दिए हैं, इनको मैं अच्छे से सेट करूँगी अलमीरा में। और आज हमारे घर पर गेस्ट आ रहे थे, मेरी सिस्टर आ रही थी और मेरे जीजू आ रहे थे, तो मैं उनके लिए बना रही थी। यहाँ पर यखनी मैंने बनाने के लिए रख दी है और ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए रखा है और कुछ प्याज और हरी मिर्चें मैंने बिरयानी के लिए रेडी करके रखी हैं। और ये चटनी यहाँ पर मैं बना रही थी और रायता मैंने बना के एक साइड पर रख दिया था। और ये देखें, मैंने भगोना ले लिया है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल, और थोड़ा सा मैं इसमें सरसों का तेल भी ऐड करूँगी। और ये सभी सामान मैंने प्रिपेयर करके रखा है, यखनी वाला जो पानी था वो भी रखा हुआ है। और प्याज को फ्राई करके मैंने निकाल लिया है और इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी मैंने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद में मैंने इसमें गोश्त डाल लिया है जो कि बीफ का था। और ये देखिए, अच्छे से मैंने यखनी में इसको गला लिया था और ये लहसुन इसमें पड़ा हुआ था जो कि मुझे निकालना था और मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली थी और उनको सभी को एक साथ फिर से भूना था मैंने, ये देखिए। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था और दही से काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है। और मैंने स्पाइसी बिरयानी बनाई थी और काफ़ी चटपटी बिरयानी बनकर ये वाली तैयार हुई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, नीट नहीं थी अलग से कोई चटनी वगैरह खाने की। और जैसे ही मसाला भुन गया तो सबसे पहले मैं, आपको पता है कि मैं यखनी का पानी यूज़ करती हूँ, तो जितना भी मेरे पास यखनी का पानी था सबसे पहले मैंने वो डाला है। और चावल अच्छे से सोख हो गए थे 2 से 2.5 घंटा, और उसको सोख करने के बाद में और चावल डालना था, उस मैंने पानी डाल के और चावल डाल के रख दिया है। और ये सारे मैंने बर्तन निकाले हुए हैं डिनर सेट वगैरह, ये देखें, कुछ प्लेट्स, राइस ट्रे, कुछ डिश, फोर्क, स्पून और छोटी छोटी बाउल्स वगैरह मैंने नाश्ते के लिए निकाले हुए थे। और ये कुछ ग्लासेस थे, सर्विंग स्पून्स थी, ये सब मैंने निकाल के बाहर रखा था ताकि फिर मुझे कुछ चीज़ ढूंढनी ना पड़े एकदम से। तो अभी बिरयानी मेरी हो चुकी है रेडी और मैंने दम में लगा के उसको छोड़ा है कुछ देर के लिए। और क्लीनिंग मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, ये देखें, मैंने रूम को क्लीन कर दिया है और न्यू बेडशीट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और ये देखिए, फ्लोर भी एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया है। और मेरा बेटा गया हुआ था स्कूल और वो अभी आया नहीं था स्कूल से। और ये देखें, ये कारपेट मैंने ली थी और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा था। और ये देखें, यहाँ पर मैंने इस तरह से बैठने के लिए यहाँ पर बिछा दिया था, नहीं भी बैठना हो तो अच्छा लगता है यहाँ पर, ये मैंने इस तरह से बिछा के और ये रूम को मैंने इस तरह से साफ़ कर दिया था, क्लीन कर दिया था। और अपनी सिस्टर के आने के बाद मैं कम ही शूट कर पाई थी, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि वो दोपहर में 2:30-3 के बीच में तकरीबन आए थे
और 6 बजे वो यहाँ से चले गए थे, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई कुछ भी। और ये मेरी सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी कारपेट, और बहुत ही ज़्यादा ये प्यारी लग रही थी। कारपेट बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा था। ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि जब ये मैंने बाई की थी तो मैं उनको दिखा नहीं पाई थी, और ऐसे ही मैंने फोल्ड करके इसको रख दिया था, और जब ये मैंने यहाँ पर डाला है तभी उनको मैंने दिखाया था। और इसके बाद में हम करने लगे थे नाश्ता, मेरी सिस्टर आ गई थी और मेरा बेटा भी थोड़ी ही देर पहले आ गया था उनके आने से, तो यहाँ पर मैं नाश्ता लगा रही थी। और ये देखें, नाश्ता मैंने रेडी कर लिया है और साथ बैठकर हमने नाश्ता किया था। मेरे हस्बैंड जलेबी भी लेकर आए थे गरम, तो बट काफ़ी ठंडा हो गया था क्योंकि उन्हें आने में थोड़ा टाइम लग गया था, थोड़ा लेट हो गए थे वो। तो पहले हमने नाश्ता किया, फिर कुछ देर बाद हमने खाना वगैरह खाया था, और रायता वगैरह भी मैंने बना के रखा था, सैलेड वगैरह भी मैंने बना के रखी थी, बट मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई अच्छे से। और ये देखें, चाय बनने के लिए मैंने रख दिया था। और ये देखें, मेरी सिस्टर की बेटी है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, वो खेल रही थी पजल से। और हम सभी मिलकर कर रहे थे नाश्ता। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।